थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझसे पैसा भी नहीं लिया, ये गलत किया लेकिन आपने। नहीं नहीं ठीक है, ओके चलिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम गैंगटॉक। देखिए अभी लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से। कहाँ जाने के लिए? दार्जिलिंग जाने के लिए। मैंने वीडियो शूट किया था यार हॉस्टल में ही, लेकिन वो स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो अभी का सीन ये है कि हम अपने हॉस्टल से टैक्सी लेकर के आ गए हैं। यहाँ से मुझे टैक्सी मिलेगी डायरेक्ट दार्जिलिंग के लिए। देखिए दार्जिलिंग जाने का ना दो सीन है, एक तो आप है ना सिलीगुड़ी जाकर के, फिर सिलीगुड़ी से आपको वहाँ से मिलेगी, तो काफ़ी लंबा रूट पड़ जाएगा। यहाँ से लगभग सिलीगुड़ी 113 किलोमीटर ऐसा कुछ समथिंग है, और फिर सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग लगभग 65, तो कितना हो गया, बहुत हो गया यार। लेकिन अगर आप गैंगटॉक से डायरेक्ट जाते हैं तो आप 97 किलोमीटर ओनली, तो आप 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच जाओगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, देवराली नाम है इसका, देवराली नाम है ना, हाँ। दार्जिलिंग के लिए यहीं से मिलेगी टैक्सी। और दूसरी बात ये कि मैं जिस हॉस्टल में रुका था वो वाकई बहुत अच्छा हॉस्टल था, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कम पैसे में रहना चाहते हैं तो वो हॉस्टल आप ज़रूर विज़िट करें, इन्फिनाइट ग्रोथ हॉस्टल। और दूसरी बात ये कि उसके जो को फाउंडर्स कह लें, जो भी कह लें, वो इतने अच्छे थे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, तब तक आप उनका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जब तक हम टैक्सी ढूंढ लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जो ये हॉस्टल चला रहे हैं बार पालो, कन्हैया से कह दो यार के घर हमारे सैफ आ गया। शुरू हो गए? हाँ शुरू है। ओके इंट्रोडक्शन दो यार। मेरा नाम अभिषेक है और हम लोग इस इनफिनिट यूथ हॉस्टल के को-फाउंडर्स हैं। क्या बात है। हेलो आई एम उज्जवल शर्मा and we are co-founders of this Infinite Youth Hostel, and we are very happy and we feel very lucky to have a guest like Saif. Yeah, thank you so much. Namaste, main ek sadharan sa manushya Yogesh Adhikari. main kya karta hu mujhe hi pata nahi, lekin main bahut khush hu ki Saif jaisa banda hamare hostel mein aaye. Yaar mera naam Naresh Adhikari hai. Har group mein ek banda aisa hota hai jo camera है ना, शायद होता है शायद, लेकिन लेकिन इनके पास YouTube चैनल है। हाय मेरा नाम भी अभिषेक ही है, मैं इधर रहता हूँ। ओनर है, मालिक है ये, इसका मालिक है, ये मालिक का बेटा है। ओके मुझे भी काफी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, और अब तो तुम लोग जा रहे हो, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो चलो तुम्हारी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इनको बुलाया था, घर नहीं आ रहे, लेकिन असल में मुझे थोड़ा कुछ काम था इसलिए नहीं जा पा रहा। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से रहिए, फिर से मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। चलो मैं तो जाना ही रहा हूँ इधर। यार अभी देखो मैं चाय पीने गया था तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, आपको रास्ते में ही बर्फ मिलेगी। तो यार मुझे मालूम ही नहीं था कि दार्जिलिंग में भी स्नोफॉल पड़ती है, मज़ा आ जाएगा, अब तो सफ़र भी अच्छा रहेगा। एक दार्जिलिंग की टिकट चाहिए, कितना? 400। कितने देर में खुलेगी ये दादा टैक्सी? आपको सीट लेगा तो अभी निकल जाएगा। नहीं नहीं एक ही सीट चाहिए मुझे। यार देखिए जब हम यहाँ पे आए थे सिक्किम में, अभी तो निकल रहे हैं हम सिक्किम से, लेकिन जब मैं आया था तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने सोचा पता नहीं यहाँ के लोग क्या होंगे कैसे होंगे, लेकिन जब मैं हॉस्टल में आया और यहाँ के लोगों से मिला तो बिल्कुल जो मेरी सोच थी वो बदल गई, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और जितना भी मैंने लद्दाख में, हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, यहाँ जितना जहाँ भी मैं गया माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। ट्रैवल का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है कि आप लोगों से मिलते हैं और दूसरे लोगों के बारे में जानते हैं, ये भी पता चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को। जब मैं लाचुंग गया था तो वहाँ पे बिल्कुल अलग कल्चर देखने को मिला। तो ये सारा चीज़ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। अब जैसे देख लीजिए मैं जिस टैक्सी से आया यहाँ तक उनका किराया लगभग 70 या 80 रुपये बन रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया। तो ये इंसानियत अभी भी ज़िंदा है यार, तभी तो दुनिया चल रही है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और ये चीज़ आप पता कर पाएंगे आप जब ट्रैवल करेंगे। जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे ना, आप घर बैठकर नहीं पता कर सकेंगे कि दुनिया में कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो
अगर आपको जानना है लोगों को तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा है कि हमें गैंगटोक से निकले हुए लगभग 3 घंटा हो गया यार, 11 बजने वाला, 3 घंटा, और हम पहुंच चुके हैं पेसोक। पेसोक की एक जगह है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग की जो एल्टीट्यूड है वो लगभग मनाली इतनी है, 2000 समथिंग कुछ ऐसा मीटर इसकी एल्टीट्यूड है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये नज़ारा, यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है गैंगटोक से। समझिए कि रात के टाइम में -1-2 चला जाते हैं और दिन में 3 ऐसा कुछ रहता है, 2-3। और अब जितना हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे टी गार्डन कह सकते हैं, ये जितना है यहाँ पूरा टी गार्डन यहाँ पे लगा है। ऊपर में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा टी गार्डन है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी है खाना खाने के लिए। फाइनली अभी का सीन ये है कि लगभग अभी वक्त हो रहा है लगभग 3:30 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में का सीन ये ना कि दार्जिलिंग से हम थोड़ा सा 8 किलोमीटर नीचे की तरफ आए हैं। इस जगह का जो नाम है वो लिबोंग है और जो शहर है दार्जिलिंग उससे 8 किलोमीटर नीचे की तरफ है। तो मैंने यहाँ पर हॉस्टल बुक किया था booking.com से, तो ये मेरा बेड है जिस पर हम रहने वाले हैं और इसका जो कॉस्ट है वो लगभग 250-200 रुपये के आसपास है, मे बी 250 रुपया। हाँ, booking.com से मैंने बुक किया था 3 दिन का, कुछ 750 ऐसा कुछ पड़ा है। और दूसरी बात ये कि मेरा दार्जिलिंग आने का मकसद ये है ना कि एक तो यहाँ पे है ही टाइगर हिल है और जो स्टीम वाली ट्रेन चलती है वो तो है ही, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 1-2 स्टोरी और है जो मुझे मालूम चली है यहाँ के लोकल लोगों से, तो वो मुझे कवर करने के लिए मतलब अंदर से एक उत्सुकता जाग रही है, तो वो चीज़ मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं ना। तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।